हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ लैक्मे एब्सोल्यूट परफेक्ट रेडियंस सन स्किन लाइटनिंग डे क्रीम का रिव्यू करूंगी। विद सनस्क्रीन है ये दोस्तों, और बहुत ही अच्छी पैकिंग में आती है, ट्रेवल फ्रेंडली है। आप आराम से इसे अपने छोटे से हैंडबैग में भी इसे कैरी कर सकते हैं। और मेरी ये वन ऑफ द फेवरेट क्रीम है दोस्तों। 110 रुपीज़ इसकी कॉस्ट है। 15 ग्राम प्रोडक्ट क्वांटिटी है दोस्तों। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ब्रांड की है दोस्तों। आप यहां पर देख सकते हैं ब्रांड यहां पर मेंशन किया हुआ है इन्होंने, और ये मेड इन इंडिया है। जी हां दोस्तों, बहुत अच्छी क्रीम है, डे क्रीम है, सनस्क्रीन एडेड है। तो आप इसे कहीं भी जाने, सुबह आप अगर मॉर्निंग में कहीं जाते हैं या ऑफिस वगैरह जाते हैं, तो आप आसानी से इसे कैरी कर सकते हैं, आप लगा सकते हैं। सन प्रोटेक्शन देगी ये आपको। और दोस्तों यहाँ पर कॉशन लिखे हुए हैं कि अवॉइड कॉन्टैक्ट विद आई एरिया। जी हाँ दोस्तों, आंखों से हमें इसे दूर रखना है। अगर लग जाती है तो तुरंत इसे वॉश आउट कर देना है। 24 मंथ इसकी शेल्फ लाइफ है। और दोस्तों इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि डू नॉट बाय विदाउट आउटर कर्टेन। जी हाँ दोस्तों, इस अगर ये आप कहीं आउटलेट वगैरह से लेते हैं तो आपको पैकिंग का खास ध्यान रखना है, ये खुली ना हो, और इसके साथ ऊपर का कवर जरूर लगा होना चाहिए। तो दोस्तों मेरा एक्सपीरियंस इस क्रीम के साथ बहुत अच्छा रहा है। मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ। ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है और बहुत जल्दी स्किन में ऑब्जर्व हो जाती है दोस्तों। और ये कुछ ब्राइट लुक देती है, ये देखिए, और मैट लुक देती है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल स्किन में ऑब्जर्व हो गई है, बिल्कुल गायब हो गई है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैंने कुछ लगाया है, एकदम सूखी हो गई है मेरी स्किन। और दोस्तों मैं एक बात और आपको बताना चाहूँगी, इसी का लेटेस्ट वर्जन भी है जिसका मैंने रिव्यू कर दिया है दोस्तों, उसमें SPF मेंशन है। तो दोनों ही क्रीम बहुत अच्छी है, जो आपके बजट में आती है आप उसे ले सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं वो इसे ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि उनकी स्किन जो है डल होने का खतरा रहता है। तो ये विद सनस्क्रीन है, आपको अलग से सनस्क्रीन यूज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है और बिल्कुल भी ऑयल नहीं छोड़ रही है दोस्तों, पसीना नहीं होता इसे लगाने के बाद चेहरे पर, इसलिए मुझे ये क्रीम ज़्यादा पसंद है। और AC में जो है, कई लोग बैठते हैं और क्रीम इस्तेमाल करके अगर वो ठंडे में बैठ जाते हैं तो उनकी स्किन पे जगह जगह स्पॉट आ जाते हैं क्रीम के, ऐसा इसके साथ बिल्कुल नहीं होता दोस्तों। बहुत अच्छी क्रीम है, तो मैं इसे हाईली रिकमेंड करूँगी आप लोगों को। ओवरऑल ये क्रीम का प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया है और बजट फ्रेंडली भी है दोस्तों। आप लोग एक बार ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा और अपने एक्सपीरियंसेस कमेंट के ज़रिए मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय।